अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम पास में जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एपीएफसी के स्लेवर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये जो स्लेवर्स है ये हमारा ईपीएफओ के स्लेवर से कैसे डिफरेंट है और क्या क्या चीजें इसमें ऐड हुई हैं, हमें क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। और ऑब्वियसली इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल आएगा एपीएफसी का वो आपके ईपीएफओ के एग्जाम से अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जो पढ़ रहे हैं उन चीजों पे भी, और बाकी डिटेल्स स्लेवर्स इसमें देख लेते हैं कैसे क्या है। और अगेन नोटिफिकेशन की आप टेंशन मत करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा क्या होगा, आप अपने सिलेबस को उठाइए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ओके, जैसे जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए अपने इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे इस जो भी सिलेबस है वो कैसे क्या इसमें हमें कवर करना है। इसमें ये मैंने पूरा लिख रखा है और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें कैसे क्या आपको कवर करना है। ओके, फर्स्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश इसमें आएगी, जैसे कि आपकी ईपीएफओ में भी आई थी जनरल इंग्लिश, उससे आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एपीएफसी में। और ये जो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ ये भी मैं आपको लास्ट टाइम के बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप जनरल इंग्लिश में देख लीजिए तो ये 10 है और ऑलमोस्ट लेवल्स आपका वही है जो आपका ईपीएफओ में था, ठीक है। करेंट इवेंट, करंट इवेंट से क्वेश्चंस आते हैं, करंट में कैसे क्या चल रहा है, और करंट मोस्टली आपका 1 ईयर का ही पूछा जाता है। आप चाहे स्टेट पीसेस का एग्जाम ले लो, आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम ले लो, आप ईपीएफओ का एग्जाम, किसी कोई भी एग्जाम ले लीजिए, लास्ट 1 ईयर आपने अगर करंट कवर कर रखा है दैट्स एनफ, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब पुरानी आपको पता होनी चाहिए जिनके बारे में, बट जब हम करंट पढ़ते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं उनके बारे में एक आइडिया मिल जाता है या दे दिया जाता है। आप अगर मैगजीन भी पढ़ते हैं ना तो अगर कोई टॉपिक है उसकी न्यूज अभी चल रही बट उस समहाउ वो रिलेट है आपके 2004 से, तो वो भी कहीं ना कहीं नीचे पॉइंट में आपको दे देते हैं कि इसकी जो भी हिस्ट्री है इसके पीछे की वो आपको पूरा लिखा होता है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये हिस्ट्री में आपका और फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपका ईपीएफओ में खाली फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पूछा गया था, यानी कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई थी, बट आपका एपीएफसी में एंशियंट मेडिवल मॉडर्न तीनों पार्ट आएगा, तो तीनों ही आपको कवर करना है। इसके अलावा पॉपुलेशन साइंस, पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पॉपुलेशन साइंस एक अलग टॉपिक है, एक अलग सिलेबस है उसका, वो मैं आपको बता दूंगी। और इसके अलावा आपका डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा इकोनॉमी का पार्ट नहीं है बट समहाउ लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी का पार्ट है, लोगों को लगता है बट ये इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, इसको आप करेंट से रिलेट कर सकते हो। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी आती है आपकी, जो ईपीएफओ में भी आया था आपकी पॉलिटी सेक्शन, और इसमें भी आपका एक पॉलिटी आएगी। इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी जो भी प्रेजेंट में चल रहा होता है इकोनॉमी का, और बट हाँ प्रेजेंट में जो भी चीज चल रही है आपको बेसिक आइडिया तो इकोनॉमी से, इकोनॉमी के बारे में होना चाहिए। मतलब आपने अगर एनसीईआरटीज पढ़ी हुई है ना 11th 12th 10th 11th 12th की, तो आप इजीली चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी होता है इकोनॉमी में। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आया था हमारा ईपीएफओ में, बट इसमें हमारा ऑडिटिंग भी आ रहा है, और अगेन ऑडिटिंग से हमारे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आएगा हार्डली। और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज उसमें आपने मतलब जैसे आपने उसमें पढ़ा हुआ था सिलेबस आपका सेम ही है, बट इसमें आपको जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और एक्ट्स और सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता होना जरूरी है। इंश्योरेंस के बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो भी इतने ज्यादा नहीं आते हैं, अगेन कम क्वेश्चंस ही आते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक नॉलेज मतलब कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, अगर आपने आपके पास में 10th तक भी था कंप्यूटर, या फिर मान लीजिए अगर आप चीजें भूल भी चुके हैं तो आप यूट्यूब पे जो वीडियोज रहते हैं तो एक कोई भी एक अच्छे सोर्स से आप वीडियो लेके मतलब वहां से आप देख सकते हैं। और जनरल साइंस, जनरल साइंस आप अगेन एनसीईआरटी अगर आपने कवर किया 9th टू 12th तो आप इजीली इसको कवर कर लेंगे।
और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके ईपीएफओ में भी देखे गए थे, काफी जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस थे, एलिमेंट्री मैथ्स स्टैटिस्टिक एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इन तीनों सेक्शन को मिला के आपके 28 क्वेश्चंस आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके मैथ से होते हैं। तो अगेन आपके स्टैटिक से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है तो इतने टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी उसमें भी आई थी और मैथ्स भी आपका इतना ज्यादा हाई वाला नहीं आता, बट नॉर्मल आपका मैथ पूछा जाता है। सोशल सिक्योरिटी से आपके 4 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। सोशल सिक्योरिटी आपके ईपीएफओ में भी था, आपका इसमें भी है। तो सोशल सिक्योरिटी वही स्कीम्स वगैरह जो आपकी रहती हैं और वो भी चीज आपकी चेंज नहीं होती है, जो उसमें था वही इसमें, बट ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इसमें। तो बाकी यही चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन का मैंने बताया था, पॉपुलेशन साइंस, इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है तो इसका भी सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। पॉपुलेशन साइंस की बात करें तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है जेंडर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, और जेंडर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिसर्च मेथोडोलॉजी, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जेंडर हेल्थ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड मेजर्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ, एडवांस स्टैटिस्टिकल पैकेजेस एंड एप्लीकेशन, लार्ज स्केल डेटा, पॉपुलेशन एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे टॉपिक्स हैं जो पॉपुलेशन साइंस में है। अगेन जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपके डेटा जो निकालते हैं, जो रैंकिंग होती है इंडिया की, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसमें कहीं ना कहीं, तो आप उन पे भी ध्यान दीजिए। और जो भी आप करंट में जो चीजें चल रही हैं समहाउ अगर इससे रिलेट हैं तो आप उन पे ध्यान दीजिए। और बाकी यही सिलेबस है आपका, इसको आप नोट करके अपना स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन, जो भी आप कर आपको एपीएससी की जो भी प्रिपरेशन आपकी आपको स्टार्ट करनी है। और अभी आप मैं जहां तक आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अभी आप ज्यादा किसी सोर्स किसी कोर्सेज वगैरह या फिर किसी मतलब जो पेड कोर्सेज होते हैं उनके पीछे ना भागें, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है एग्जाम कब होगा। और आप अपना मतलब सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करिए इसका, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।